एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? टाइम हो रहा है 2:45 और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है अभी से। दोपहर के 2:30 के बीच का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ कहाँ, वो आज आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। आपको मैं किसी से मिलवाने वाली हूँ, तो किस से मिलवाने वाली हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वो सब आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो व्लॉग को पूरा कंटिन्यू करिएगा, जैसा कि आपने टाइटल देखा है तो वो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए साथ में चलते हैं और देखते हैं कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और स्टेशन पहुंच गए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं, चलिए आपका सस्पेंस मैं क्लियर कर देती हूँ। अब जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपनी मासी की बेटी के घर। जी हाँ, ये मेरे मायके की फैमिली है। तो ये देखिए पीहू यहाँ कितने मज़े से बैठी है और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। बट यहाँ ठंडा नहीं है, मतलब ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन मौसम अच्छा है। तो बस मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया रास्ते का और फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं मेरे मायके। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए, ये मेरी दीदी हैं और उधर मेरे जीजा जी हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमको मीठा पानी दिया, जिसमें कि रसगुल्ला और मेरा फेवरेट पेड़ा है, तो दोनों ही चीज़ बहुत पसंद है। तो ये है मेरे जीजा जी, मिल लीजिए। और इधर मेरी जीजी जो दीदी है मेरी, ये नाश्ता लगा रही हैं और गर्मा गर्म चाय बना रही हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं हम लोग बहुत थक गए हैं, क्योंकि ट्रेन आज बहुत लेट थी। एक्चुअली संडे का ये व्लॉग है, तो संडे में ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट थी, तो वो उसी के चलते हम लोग बहुत देर से यहाँ पे आ पाए, तो बहुत लेट हो गया था। और ये देखिए, इनका भी घर बहुत प्यारा है। आप लोग को कैसे लग रहे हैं ये घर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अलग अलग जगह के घर वीडियोस में, तो वो कैसे लग रहे हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग बस बातें कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत दिन के बाद मिलते हैं ना बहनें, मतलब हम दोनों बहनें हैं। बचपन में हम लोग साथ खेलते थे, नानी के घर में आते थे, तो हमेशा इंतज़ार होता था कि कब गर्मी की छुट्टियाँ होंगी हम लोग कब मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले हैं। जब हम लोग शिप पे थे तो हम शिप से भी आए थे इनके घर पे, तो ये अभी नया घर इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। पहले अगर आपने मेरे व्लॉग में इनको देखा होगा, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो अभी यहाँ देखिए गर्म गर्म चाय बन गई है। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीते हैं और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पीहू भी मस्ती कर रही है। मेरे मासी का मतलब मेरी दीदी का बेटा है। और ये देखिए, यहाँ पे पीहू को टैडी मिल गया है, तो बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। पीहू को बस भाई मिल गया और टैडी मिल गया, तो वो देखिए उनसे बातें कर रही है, खेल रही है उनके साथ, और हम लोगों ने चाय पी ली है। तो अब मेरी दीदी जो है वो डिनर की तैयारी कर रही है, तो वो आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हैं, पनीर की डिश। तो मैंने सोचा है मैं थोड़ी सी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए, तो वो मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करी है और खाना बहुत टेस्टी बना था। तो थैंक यू दीदी, आप अगर ये वीडियो देख रही हो तो। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फ़ोन सेट कर दिया है और वो खाना बना रही हैं, तो मैं उनकी रेसिपी धीरे धीरे रिकॉर्ड करती जाऊँगी जैसे जैसे वो बना रही हैं। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, मेरे मायके के लोग देख करके मेरे मायके का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले उन्होंने ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल आप जो यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। तो इन्होंने प्याज डाल दिया है और लहसुन को डाला है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इन्होंने टमाटर भी डाला था और ये है काजू, काजू भी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। मतलब सभी चीज़ फ्राई करके तब उन्होंने मिक्सी ग्राइंडर में पीसा था, मतलब कच्चा नहीं पीसा था, तो आप इस तरह से पीस सकते हैं। ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और पनीर की सब्जी के साथ साथ वो यहाँ पर तैयारी कर रही हैं बैंगन की कलौंजी का, मतलब कलौंजी भी उन्होंने बनाया था, जिसको भरवा बैगन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लहसुन और हरी मिर्च को कूट रही हैं फिलिंग के लिए, बहुत टेस्टी बना था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये देखिए, फिलिंग के लिए सारा सामान उन्होंने निकाल लिया है, जिसमें कि धनिया, मिर्ची और वो कलौंजी का मसाला भी उन्होंने बनाया था, अमचूर पाउडर और बहुत सारे मसाले डाल करके बहुत टेस्टी बनाया था। अभी मैं थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ कि उन्होंने कैसे बनाया था, लेकिन आप रेसिपी देख करके, मतलब इन्ग्रीडियंट्स देख के समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या डाला है।
तो यहाँ हमारा तेल गरम हो गया है और मसाला भी पिस गया है, तो उन्होंने थोड़ा सा बटर भी डाला था और उसके बाद ये जो मसाला पीसा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था भूनते टाइम, वो पीस करके उसमें ग्रेवी में डाल दिया। देखिए कितनी थिक ग्रेवी है और बहुत ही टेस्टी सब्जी थी, तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ खाना बन गया था तो मैं इधर आ गई झूमर देखने। ये झूमर उनका घर पे लगा हुआ था, काफ़ी अच्छा था, कलर भी चेंज करता है और म्यूजिकल है, तो चलिए देखते हैं। कलर भी बदलेगा, बदलो। तो हम लोगों का डिनर हो चुका है और जब ये लोग डिनर कर रहे थे उसके बाद मैंने पीहू को खिलाया और मैं भी खा ली और टाइम यूं ही निकल गया, पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया। और वैसे भी मैंने आपको बताया हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था, तो बस अब दीदी जिया जी हम लोग को छोड़ने बाहर तक आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला, तो मायके का प्यार होता ही ऐसा है, मतलब टाइम पता नहीं चलता, जितना भी समय मिले वो कम लगता है। तो बस फिर हम लोग ने ऑटो से हम लोग स्टेशन आ गए और फिर फटाफट हम लोग अपने घर पहुंच गए। लेट तो काफ़ी हो गया था बट इजीली हम लोग घर आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो चलिए फिर अब मैं आपको सीधे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल जो आप लोग ने देखा, मैं अपने मौसी की बेटी के घर गई थी, मतलब मैं अपनी बहन के घर गई थी, तो बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी थी, मैंने वहीं पर ही अपना व्लॉग बंद कर दिया था। तो क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, तो अब नेक्स्ट डे है और शाम हो चुकी है, मतलब अभी शाम, आप शाम समझ सकते हैं, 7 o'clock हो गया है। और मैं नीचे गई थी, थोड़ा बहुत सामान लेकर के आई, सारा दिन बहुत थोड़ा सा टायर्ड वाला था और कोल्ड हो गया था जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, बट अभी मुझे ठीक लग रहा है, तो इसीलिए मैंने सुबह भी कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और बस यही था, बहुत अच्छा लगा जा कर के। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा मायका कैसा लगा, मतलब मेरे मायके के लोग आपको कैसे लगे, मेरी दीदी जीजा जी, और बहुत अच्छा लगा मुझे जा कर के। बस बहुत जल्दी आपको आगे के व्लॉग्स अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, मेरे ससुराल के व्लॉग्स, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जाने वाली हूँ अपने ससुराल। तो एक एक छोटा सा पार्ट आपने मेरे मायके का देख ही लिया है, तो अब आगे आपको पहले ससुराल के व्लॉग्स मिलेंगे, फिर मायके का व्लॉग मिलेगा, क्योंकि मुझे पहले जाना है अपने ससुराल, फिर उसके बाद जाना है मायके। तो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी मुझे रीड करने हैं, तो वो भी मैं जल्दी से आप लोग के कमेंट्स रीड कर लेती हूँ, मतलब आप लोग के कुछ नाम लेने हैं तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग के नाम ले लेती हूँ। मुझे दो लोगों के नाम याद है, एक कल्पना शर्मा जी हैं और एक अंजलि शर्मा जी हैं, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि आप अपने ब्लॉग में मेरा नाम लीजिएगा, तो मुझे लगा कि चलो मैं इसी ब्लॉग में आप लोग का नाम ले लेती हूँ। और आज जब आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो 25th है, तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले, सेंटा आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, और बस इसी तरह आप लोग खुश रहिए। और मेरे लिए भी आप लोग प्रे करिए कि जल्दी से अब मेरी फैमिली और ग्रो करे, मेरे अच्छे अच्छे व्यूज़ आए। बस थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ आप लोग के, मेरे मतलब व्लॉग को वॉच नहीं करते हैं या शेयर नहीं करते हैं, या आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं आता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, बट जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा सा बहुत मतलब दिल बहुत दुखी होता है, क्या प्रॉब्लम है मुझे वो नहीं पता, बट
न्यू ईयर आने वाला है और जैसा कि आपको पता ही है, आज है क्रिसमस। मतलब जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तब है क्रिसमस, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। मैं आप सबको एडवांस में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नए साल की बधाइयाँ देती हूँ, मतलब हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत जल्दी न्यू ईयर पे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आज मिलेंगे। तो बस अगर बताया मैंने चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करिएगा एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर बस अभी मैं ये ब्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ और मैं मिलूँगी आपको कल अपने एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय।